40,000 में पूरी गाड़ी रेडी करेंगे, वो भी मतलब जेन्युइन चीजों के साथ। हमने लगा दी है प्रोजेक्टर आईपीएच का, ऊपर से डीआरएल जो भाई, ये देखो कुछ इस फिनिशिंग के अंदर सिंपली यहाँ पर ये ऑन करने के लिए मिल जाएगी। तो भाई ये ऑफ पे, इसको ऑन करना। ये है अपना ओनली फॉग लाइट का रिस्पॉन्स, और हेडलाइट ऑन करना भाई एक बार। तो ये अपने हेडलाइट के साथ रिस्पॉन्स, तो फ्रंट फेजोबैक कितना ब्राइट यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके हैं। तो कुछ इस लुक के अंदर आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। ऐसे कुछ लुक के अंदर आया था बेस मॉडल के अंदर, जिसको अपग्रेड कर चुके हैं टॉप मॉडल के साथ। बैक के कंट्रोल्स भी सिंपली आपको फ्रंट में देखने में मिल चुके हैं। ये देखो भैया, यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगा। देखो तो मतलब जेन्युइन वर्किंग जिसको बोलते हैं, सिंपली उसके अंदर अपग्रेड करा गया। तो कुछ इस तरीके से आता है, जिसको कन्वर्ट कर दिया भाई टॉप मॉडल के साथ। ना ये टॉप एंड वेरिएंट वाला मीटर इसके अंदर अपग्रेड करा गया, ठीक है। लास्ट टाइम कश्मीरी गेट में भी करवाया था, पर वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं हुआ जितना मिला। कहते हैं कम रेंज में एकदम बढ़िया सी। हाँ तो वो चीज यहाँ पर दी गई है भाई। आज की एक फिर से वीडियो आ चुकी है, जो रहने वाली है अपने डिजायर के ऊपर। साथ में है अतुल भाई, मतलब हम आए भाई A4 कार एक्सेसरीज पे। अतुल भाई क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भैया। तो क्या कुछ लेके अपनी ऑडियंस के लिए आज? भैया आज अपने ऑडियंस के लिए गए हैं, डिजायर टूर रहने वाली है प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर सारा वर्किंग हुआ है, सारा जेन्युइन काम हुआ है गाड़ी के अंदर, ठीक है। पहले फ्रंट से बात करें, इसके अंदर हमने लगा दिया फॉग लाइट जेन्युइन तरीके के, देख सकते हो भैया प्रॉपर तरीके से फॉग लाइट्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर फॉग लाइट्स नहीं आती। पहले एक बार साइड में भाई देखो, ये दिखाता हूँ, इंडिकेटर आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो मतलब सिंपली बेस मॉडल यहाँ पर आई है, इसको कन्वर्ट कर चुके हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर अपनी मिंडा की फॉग लाइट्स अपग्रेड करी गई है, विद अपनी प्रॉपर वायर रहने वाले, जिससे आपका 1% वारंटी वॉइड ना हो। प्लग एंड प्ले सिस्टम बिल्कुल रेडी करा गया, बिल्कुल कपलर टू कपलर। उसके बाद साइड में हमने इसके अंदर लेवल लुकिंग के साथ व्हील कैप डाल दिया, ठीक है। व्हील कवर से इंस्टॉल करेगा, साइड फेस देखो तो फुल अलॉय व्हील्स वाली लुक इसमें देखने में मिलने वाली है आपको यहाँ पर। बाकी साइड फेस में बात कर ले भाई, साइड की बीडिंग इंस्टॉल कर दी है भैया, काफी अच्छी बेनिफिट मिल जाती है, ठीक है। तो साइड बीडिंग इंस्टॉल करिएगा, डिजायर की ब्रांडिंग मिलने वाली साथ में देखने के लिए। तो कुछ थोड़ी साइड लुक प्रीमियम लुक दे था यहाँ पर ना, ये पूरी जो इनहांस हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया डीआर के वाइजर, सुजुकी लोगों के साथ आपको मिल जाएगी, फोर्ड सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। डिजायर के अपने यहाँ पर डोर वाइजर इंस्टॉल किया, ऊपर में अपना कैरियर लगा दिए हमने ऊपर इसके अंदर, ठीक है। फुल ही टैक्सी में तब्दील कर दिया इसको, मतलब आज कुछ बढ़िया तरीके से पूरी रेडी करेंगे। जितने भी अपने टैक्सी वाले भाई है, वो कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पर डिजायर को मॉडिफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगी आराम से सामान वामान रखने के लिए। बाकी थोड़ा बैक एंड की तरफ बात कर ले भाई, क्या कुछ चेंजेस करे गए इसके अंदर? बैक एंड के अंदर हमने इसके अंदर कुछ ज्यादा खास चेंजिंग नहीं किया है। बाकी इसकी जो उतरी भी देख सकते हो, कैची वगैरह इसके अंदर हमने पावर इंडर इंस्टॉल कर दिया, कैची उतरा है इसका, पहली वाली वायरिंग वगैरह सारा हट गया ना, हम लोग अपने कपड़े टू कपड़े जेन्युइन वायरिंग डाल देते हैं भाई। सिंपली जो पुरानी वायर्स होती है, पुरानी कैची होती है, वो यहाँ पर पूरी रिमूव कर दी जाती है जब आप जेन्युइन पावर इंडर तरफ जाते हो। तो अभी उसकी वर्किंग भी आपको दिखा दूंगा। बाकी इसके अंदर हमने बम्पूल गार्ड इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, नीचे यहाँ पे लगा दिया बम्पर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिलने वाली है देखने के लिए। बैक एंड में ये कुछ वर्किंग थी। बाकी सबसे मेन चीज जो कार की अंदर डिमांडिंग रहती है अपनी, वो है भाई ये कुछ चीज। तो यहाँ पर जो अपग्रेड करा गया, बिफोर एंड आफ्टर लुक दिखाया था, ऐसे कुछ लुक के अंदर आया था बेस मॉडल के अंदर, जिसको अपग्रेड कर चुका है टॉप मॉडल के साथ। अपना बेस मॉडल में रहता है भाई वो घुमाने वाला सिस्टम, जिसको बिल्कुल यहाँ पर अपग्रेड कर दे जेन्युइन पावर विंडो के साथ। क्या कुछ चेंजेस रहते हैं भाई इसके अंदर? भैया ये रहने वाला अपना MGP जेन्युइन विद पैनल के साथ हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, टॉप मॉडल में जो लग के आता है भाई। प्रॉपर स्विच की वर्किंग के साथ रहने वाली है, देखो भैया कहीं से हटकेगी नहीं। और बैक भी कंट्रोल करना भाई एक बार। तो भाई बैक की वर्किंग भी दिखा देता हूँ। तो बैक के कंट्रोल्स भी सिंपली आपको फ्रंट में देखने में मिल चुके हैं। तो यहाँ पर वो घुमाने वाला सिस्टम बिल्कुल रिमूव कर दिया गया। ये देखो भैया, यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगा। देखो तो मतलब जेन्युइन वर्किंग जिसको बोलते हैं, सिंपली उसके अंदर अपग्रेड करा गया। यहाँ पर अभी कैप लगा दी जाएगी, अगर ऑटो फोल्डिंग कराओ यहाँ पर आपको स्विच मिल जाएगा, जिसके अंदर अपने पूरे मिरर रिप्लेस कर दिए जाएंगे भाई। बिल्कुल रिप्लेस कर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर हर एक चीज की वर्किंग मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ भाई, यहाँ पर जितने भी मतलब जो वायरिंग इंस्टॉल करी है, कैची इंस्टॉल करी, सारी जेन्युइन अपग्रेड करी है, जेन्युइन अपग्रेड किए हैं। भैया के सामने अपग्रेड किया, भैया पीछे बैठे हुए हैं, इनके सामने हमने अपडेट किया है। कुछ भी इसके अंदर जो काम हुआ है कपलर टू कपलर वायरिंग का, तो एक नामो निशान कटिंग के नहीं होती अपने पास, ठीक है भाई। फ्रंट लुक दिखा दिए, साथ में वो बैक एंड लुक भी दिखा दिए, फिर चलेंगे अंदर तरफ। बैक एंड में भी अपना वो घुमाने वाला सिस्टम आता था, जो यहाँ पर बहुत अजीब लगता था। अतुल भाई किसी गाड़ी में नहीं छोड़ने वाले, मतलब जेन्युइन वर्किंग करने में भाई। जिसको बेस मॉडल लेके आएगा ना, कुछ ऐसे टॉप मॉडल अपनी कार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वर्किंग भी प्रॉपरली मिलने वाली है आपको देखने के लिए। बाकी इसके अंदर इनर हैंडल्स अपग्रेड नहीं करेगा, इनर हैंडल्स ये आपको क्रोम फिनिश के अंदर टॉप मॉडल में आते हैं, आप उसकी तरफ भी अपग्रेड कर सकते हो। बाकी भाई जब करें कार के अंदर एंटर, सबसे मेन चीज जो कार के अंदर रहती है, इसके अंदर फ्लोरिंग का प्रोसेस, तो वो इसके अंदर कन्वर्ट करा गया। क्या कुछ बेनिफिट रहते हैं अतुल भाई फ्लोरिंग के अपने? भैया फ्लोरिंग के, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, काफी सारे भाई आओ तो पहले भाई फ्लोरिंग कराओ गाड़ी के अंदर, सबसे बेनिफिट इससे मिलती है। क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर ना काफी दोस्त यार या बच्चे होते हैं फैमिलीज में, तो काफी कुछ खाते पीते गिर जाता है,
तो गाड़ी में बदबू आने लग जाती है, क्योंकि नीचे जन्म हमारी फ्लोरिंग होती है कंपनी वाली, वो सोख लेती है, बदबू आने लग जाता है। इसीलिए हम लेदर वाले लगाते हैं जिसके अंदर आपको बदबू वगैरह नहीं मिलेगा, गीला कपड़ा मारो सब। प्लस भाई यहाँ जैसे अभी हम बैठ गए, मानो कीचड़ चढ़ा है हमारे पैरों के अंदर, कंपनी का कारपेट के ऊपर चला गया, तो जो क्लीन करना इजी नहीं रहता, इसके ऊपर सिंपली क्या एक कपड़ा मारा और आपका कारपेट सेफ रहेगा। नीचे तरफ अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर अपग्रेड करा गया है एटीएम लाइट्स के अंदर, जिसको एटमॉस्फेयर लाइट्स बोलते हैं, जिसके अंदर कलर चेंजिंग ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए। बाकी बेस मॉडल आई थी, किसी एंगल से भाई बेस मॉडल नहीं छोड़ी है तुलवाई ने, वर्किंग फिर से दिखाया था यहाँ पर, ये कुछ वर्किंग मिलने वाली है। और यहाँ पर स्टेयरिंग की भी बात कर ले भाई, बेस मॉडल में कुछ इस तरीके से आता है, जिसको कन्वर्ट कर दिया भाई टॉप मॉडल के साथ, मतलब अंदर भी बिल्कुल बना दे टॉप मॉडल आ गया। बिल्कुल भैया, अंदर बाहर सारा रहेगा अपना टॉप मॉडल जो भाई देखिएगा क्या क्या टॉप मॉडल कंप्लीट हो रहा है गाड़ी अपनी। भाई इसके अंदर दिखाता हूँ क्या कुछ लुक मिल जाती है। बेस मॉडल में आपके शेयरिंग कंट्रोल नहीं आते, आप शेयरिंग कंट्रोल लगवाओगे शेयरिंग कंट्रोल भी लग जाएगा, लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं आप पूरा स्टेयरिंग ही चेंज करवाओ, जिसमें आपको मिल जाएगी भाई टॉप मॉडल फील्स, लेदर रैप मिल जाता है कंपनी की तरफ से, डी कट सिल्वर फिनिश मिल जाता है देखने के लिए, स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है, स्क्रीन पे वर्किंग फ्लैश कर रही है, प्रॉपरली वर्किंग रहने वाला है। नीचे अपने कॉलिंग बटन्स मिल जाएंगे, ये क्रूज कंट्रोल का बटन रहता है ओनली डमी। तो ये कुछ लुक के अंदर कन्वर्ट करा देते हो भाई, हब जो इंस्टॉल करा जेन्युइन अपग्रेड करा है भैया, जेन्युइन हमने इसके अंदर लगाया है एमजीपी का भाई। देखो आप कहीं से भी करवाओ, एक्स वाई जेड जगह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आप करवा रहे हो ये चीजें, आप जेन्युइन की तरफ ही जाना, जेन्युइन हब की तरफ जाना, कल को जाके दिक्कत आ जाए तो भाई कोई फायदा नहीं है। एक बार और आएंगे हमारे पास, क्योंकि ना इसके अंदर का इनर हैंडल भी इनको क्रोम कराना है, मीटर चेंज कराना है, मतलब और एक मिरर चेंज कराना है, तीन चार काम के लिए फिर आने वाले हैं। ठीक है भाई, बाकी बीच में आपको एक गाड़ी और दिखा दूं, मतलब इस गाड़ी के बाद में, जिसके अंदर अपना मीटर भी चेंज करने वाले हैं। बेस मॉडल में कुछ इस तरीके से आता है, उसके अंदर टॉप मॉडल वाला लगा रहे हैं जी, उसके अंदर हम एक और गाड़ी आई हुई है, उसके अंदर हम टॉप मॉडल वाला लगा रहे हैं, और उसके अंदर हेडलाइट भी कस्टमाइज कर रहे हैं, हेडलाइट भी कस्टमाइज हो रहा है, पावर उसके अंदर अभी भैया नहीं करा रहे, लेकिन डैम्पिंग वगैरह साउंड प्रूफिंग सिस्टम का काम बढ़िया हो रहा है। ठीक है भाई, आपको वीडियो के एंड में उसकी लुक भी दिखा दूंगा। एंड्रॉइड की बात कर ले, क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं? एंड्रॉइड इसके अंदर हमने लगाया है 2GB RAM, 32GB इंटरनल, एक साल की इसकी वारंटी रहेगी, डैप्स कंपनी का है भैया, देखो फास्ट एंड फीचर्स आपको अपने आप मिल जाएगी। तो मतलब बढ़िया कुछ टच रिस्पांस मिल रहा है, स्मूथ लेवल रिस्पांस है, यूट्यूब मिल रहा है इसके अंदर आपको, यहाँ पर गूगल मैप्स मिल जाता है, प्ले स्टोर है, जीमेल आईडी लिंक करके रेडी टू यूज हो, कुछ भी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो, स्मूथ लेवल है। बाकी अगर भाई बात करें एंड्रॉइड ही कर ली, स्पीकर की बात करें क्या कुछ अपग्रेड करा है? स्पीकर इसके अंदर हमने चारों आगे पीछे स्पीकर अपडेट किया है इसके अंदर, सोनी कंपनी का। ठीक है, सोनी ब्रांड के अपने यहाँ पर स्पीकर्स अपग्रेड करेंगे विद अपना डैप्स का सिस्टम। तो अंदर आपको ये कुछ चीजें नहीं मिलती कंपनी तरफ से, लेकिन जब आप आओगे भाई अतुल भाई के पास, A4 कार सीरीज पे करोलबाग लोकेशन रहते हैं, तो आपको कुछ प्रीमियम सेगमेंट वर्क के अंदर आपको डील करा जाएगा। कितना कुछ खर्चा है भाई इस गाड़ी का? भैया मात्र खर्चा है भैया, काफी भाइयों के बजट में जो आना चाहिए वही खर्चा आया है, लमसम 40 के अप्रोक्स, 40,000 में, 40,000 में सारा काम हो गया। ठीक है भाई, 40,000 में पूरी गाड़ी रेडी करेगी, वो भी मतलब जेन्युइन चीजों के साथ और प्रॉपर वर्किंग के साथ। भाई देख लो, ये इस बजट में गाड़ी ना कोई राइडिंग नहीं देगा आपको, सारा काम A4 कार एक्सेसरी में, कपलर टू कपलर, भाई जितने भी भाई अभी तक आए ना काम कराने सबको पता है ये बात, जो A4 कार एक्सेसरी में कपलर टू कपलर ही काम होगा, वायरिंग छुआ नहीं जाएगा आपके कंपनी। तो मतलब बढ़िया कुछ क्वालिटी में डील करना आपको, सिंपली आना भाई A4 कार एक्सेसरीज पे। बाकी चलते एक बार साउंड की तरफ, फिर आपको दिखाऊंगा भाई दूसरी वाली गाड़ी। मतलब भाई अतुल भाई, इसमें बेसिक स्पीकर्स अपग्रेड करे तो नॉर्मल आवाज है, बाकी कंपोनेंट में अपग्रेड करते हैं ना बढ़िया आवाज मिल जाती है, कंपोनेंट के अंदर ना साउंड एकदम जेन्युइन निकल के आता है, लेकिन मजा भी आता है काम के अंदर। ठीक है भाई, भाई बाकी मैंने इस गाड़ी के अंदर आपको ओवरऑल मॉडिफिकेशन दिखा दिया है, अतुल भाई चलते कस्टमर के पास, उनसे उनको कैसा लगा भाई? साथ में अपने प्राउड ओनर सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से आए थे सर? मौजपुर दिल्ली से। तो कैसा लगा सारा काम यहाँ पर जो करके दिया भाई ने? और पता कैसा था भाई के बारे में? YouTube से देखा था भाई का वीडियो। ठीक है, दिन से भाई के टच में थे, कम से कम एक महीना हो गया होगा, 15 दिन महीना भर हो गया। और मतलब जेन्युइन पार्ट्स अवेलेबल थे सारे? और मतलब आपके सारे सारा काम आपके सामने हुआ, कोई कटिंग सिस्टम तो नहीं करा गया इसके अंदर? कोई कटिंग नहीं करा गया, वीडियो देख के भाई की बातचीत करके तभी आए हैं यहाँ पे, काम बढ़िया था। तो कोई भाई सोच रहा हो डिजायर वाला आने के लिए रिकमेंड रहेगा? बिल्कुल। ठीक है, अपने तरफ से भी काफी टाइम दिया, आराम से बैठ रहे, मतलब लड़कियों को जो होता है ना परेशान, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल तसल्ली से काम कराएंगे, लास्ट फ्री माइंड में आता है जो काम ही करा के जाना तसल्ली से। चलो ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल दिखा दिया ये वाली डिजायर, बाकी चलते हैं अतुल भाई दूसरी डिजायर में, प्रॉपर प्रोसेस दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको दूसरी डिजायर और दिखाया था जो यहाँ पर आ रखी है, इसके अंदर भाई आपको हेडलाइट्स नहीं मिल रही, मतलब इसके अंदर कस्टमाइज करने वाले अपनी हेडलाइट्स के अंदर, जो हमने कस्टमाइज ऑप्शन पहले भी बहुत वीडियो के अंदर दिखा रखा है, और जो भी चीजें होगी प्लग एंड प्ले होगी,
यहाँ पर अपना फ्रंट में फॉग लाइट्स अपग्रेड कर रहे हैं आईपीएच प्रोजेक्टर की तरफ। बाकी अंदर की तरफ लोग दिखा दूँ तो यहाँ पर आज पावर विंडो में भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपना डैम्पिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। प्लस कंपनी के जो स्पीकर्स थे यहाँ पर वो रिमूव कर दिए गए, इसके अंदर अपने खुद के स्पीकर्स इंस्टॉल करने वाले हैं जो रहने वाले हैं ब्लोपंक ब्रांड के, तो बढ़िया कुछ क्वालिटीज में मिलने वाली है आपको देखने के लिए। तो फ्रंट में कंपोनेंट, बैक एंड पे कोएक्सियल अपग्रेड करने वाले हैं। बाकी इसके अंदर स्टीयरिंग भी अपग्रेड कर चुके हैं, तो ये कुछ टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग इसके अंदर भी अपग्रेड करा गया। बिफोर लुक देख लो भाई, यहाँ पर मीटर की जो आ रही है इसके अंदर भी जेन्युइन अपना टॉप मॉडल वाला मीटर भी अपग्रेड करने वाले हैं। सो भाई फाइनली यहाँ पर अपनी दूसरी वाली डिजायर भी हो चुकी है कंप्लीट, साथ में अतुल भाई जुड़ चुके हैं कंप्लीट भाई सारा काम ए टू जेड तरीके से फुल फाइनली। तो भाई इसकी सबसे मेन चीज अपनी रहने वाली है वो है अपना हेडलाइट, तो हेडलाइट के अंदर क्या कुछ चेंजेस करेंगे आपको वो बता देता हूँ भाई। इसके अंदर हमने लगा दिया है प्रोजेक्टर आईपीएच का, ऊपर से डीआरएल जो भाई अपने पहले वाली वीडियो में देखे हो गया उत्तराखंड वाले में, ठीक है, तो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। नीचे वही प्रोजेक्टर वापस इंस्टॉल कर दिए हैं, मतलब फुल पावर रोशनी वापस आज देखने वाले हो। तो भाई यहाँ पर सिंपली जो अपना रिफ्लेक्टर सेटअप आया था उसको कन्वर्ट कर चुके कस्टमाइज हेडलाइट के साथ। बाकी अपना ऑप्शन क्या रहता है भाई, आप इसके अंदर जो कितना भी क्रोम पार्ट है ना उसको आप डी क्रोम में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर, जो अपनी लुक को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। भाई इसके डीआरएल ऑन करना है एक बार, तो भाई देखो पहले अपने प्रोजेक्टर का सिंपली यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब फर्स्ट पॉइंट ऑन करना भाई इसका, तो भाई ये देखो कुछ इस फिनिशिंग के अंदर सिंपली यहाँ पर ये ऑन करने के लिए मिल जाएगी। इसमें अपना इंडिकेटर फीचर भी मिल जाता देखने के लिए, इंडिकेटर देना भाई एक बार, तो इंडिकेटर के ऊपर सिंपली आपको मैट्रिक्स लुक के अंदर आपको मिलने वाला है। और नीचे से बात कर ले यहाँ पर जो अपनी फॉग लाइट्स अपग्रेड करी है भाई, ये इनबिल्ट एलईडी वाली है फिर इसके अंदर एलईडी अपग्रेड करी है, एलईडी अपडेट की है, इसके अंदर दो साल की वारंटी रहने वाली एलईडी 120 वाट एलईडी रेंज रहने वाली। तो भाई ये कुछ रिस्पॉन्स आपका ओनली फॉग लाइट का रहने वाला, इसको ऑफ करना भाई एक बार, तो भाई ये ऑफ पे, इसको ऑन करना, ये है अपना ओनली फॉग लाइट का रिस्पॉन्स। और हेडलाइट ऑन करना भाई एक बार, तो ये अपने हेडलाइट के साथ रिस्पांस। तो फ्रंट फेस ओवर कितना ब्राइट यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके हैं, और यहाँ पर ये कुछ फ्रंट लुक आपको देने में मिलने वाली है अपनी यहाँ पर डिजायर की। तो कोई भाई सोच रहा हो कस्टमाइज हेडलाइट की तरफ जाने के लिए, तो कुछ इस लुक के अंदर आप कस्टमाइज करवा सकते हो, जो अपनी लुक को ही बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है। प्लस ब्राइट सेटअप आपके अपनी कार के अंदर अपग्रेड कर सकते हो, और मतलब जो इस टाइम लुक दे रही है पूरी डेविल लुक दे रही है पूरी, इसके अंदर डायमंड आई और इंस्टॉल हो जी ना, तो उसके बाद मतलब कहते हैं एक नंबर गाड़ी ये लगने वाली थी। बल्कि जिसको हाँ जिसको लाइटिंग में अपग्रेड करना हो तो ये कुछ लाइट सेटअप आप अपग्रेड कर सकते हो अपने डिजायर के अंदर, या फिर कोई भी एक्सवाई जेड कार हो उसके अंदर आपको आके अतुल भाई के पास A4 कार एसेसरीज पे अपग्रेड करवा सकते हो। उसके बाद इसके अंदर हमने लगा दिया है आगे कंपोनेंट, पीछे कोएक्सियल इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, और हमने कर दिया है डैम्पिंग। तो भाई यहाँ पर डैम भी करी गई जिसके अपने डोर की थिकनेस बहुत ज्यादा यहाँ पर हैवी हो चुकी है। प्लस अंदर से पूरी इसके अंदर साइलेंट कैबिन कन्वर्ट कर चुके हैं। भाई यहाँ पर कार के अंदर एंटर करने पे आपको मिलने वाला टॉप एंड वेरिएंट वाला शेयरिंग जो इसके अंदर कन्वर्ट करा गया है। ये बेस वेरिएंट अपनी आई थी यहाँ पर, लेकिन भाई ने इंटीरियर से मतलब एक एंगल से छोड़ा नहीं है, टॉप मॉडल का शेयरिंग प्लस टॉप मॉडल का मीटर यहाँ पर कन्वर्ट करा गया। भाई जितनी भी चीजें करी गई प्लग एंड प्ले है, कपड़े टू कपड़े सारा काम रहने वाला भाई। आज की डेट में मैंने किया है भाई डीआर, कम से कम 7-8 डीआर आया था अपने पास, सारे में हमने प्रॉपर तरीके से स्टीयरिंग इंस्टॉल कर दिया है। जो गाड़ी की लुकिंग देख रहे हो भैया, मॉडिफिकेशन के मामले में भैया कहीं भी नहीं छूटने वाले, कैसे भी नहीं छूटने, काम और नाम दोनों बना के रहेंगे बढ़िया वाला। भाई कितना साइलेंट कैबिन भी बन चुका है, डैम्पिंग करी गई है। मेन चीज जो लुक अपनी इनहेंस कर रही है वो अपना ये टॉप एंड वेरिएंट वाला मीटर, इसके अंदर अपग्रेड करा गया, प्लग एंड प्ले सिस्टम रहता है, और ये कुछ लुक के अंदर अपनी बेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। सारा काम होगा भैया, कपड़े टू कपड़े होगा, A4 कार एसेसरी में प्रॉपर वर्किंग के साथ देख सकते हो, प्रॉपर वर्किंग होगा, कहीं से भी आपका एक भी लैगिंग नहीं दिखेगा आपको इसके अंदर। ऐसा कुछ काम करना, सिंपली आपको आना है भाई A4 कार एसेसरीज पे, लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है अपने अतुल भाई का, प्रीमियम क्वालिटी वर्क आपको इस स्टोर के ऊपर मिलने वाला है। बाकी चलते हुए अपने कस्टमर के पास, उनसे जरा उनको कैसा लगा। तो भाई साथ में अपने प्राउड ओनर भैया, क्या नाम है आपका? सर आपका कहाँ से आए थे? ठीक है, कैसा लगा सारा काम जो अतुल भाई ने यहाँ पर करके दिया आपको? बहुत अच्छा काम करा भैया ने, ठीक है। लास्ट टाइम कश्मीरी गेट में करवाया था, पर वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं हुआ जितना मिला। और लाइटिंग की बात करें, लाइटिंग सेटअप कैसा लग रहा है? सैटिस्फाइड, एकदम बढ़िया। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, मतलब कहते ना बिल्कुल चौंधा, कहते ना कम रेंज में एकदम बढ़िया सी। हाँ, तो वो चीज यहाँ पर दी गई है। तो मतलब भाई अतुल भाई का सोच रहा हूँ यहाँ पर आने के लिए रिकमेंड रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई के पास आओ, अपनी गाड़ी करवा के देख लो एक बार। और 10 में से रेटिंग देनी हो कुछ भाई? पूरे भी है तो चलो बढ़िया, ऐसे कर दो एक बार।